अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे मसाला पनीर की रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से पनीर। तो यहाँ मैंने ये 300 ग्राम पनीर लिया है और इसके हमने बड़े बड़े पीसेस इस तरीके से कट करके, तो मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। आपको जितने साइज़ का पनीर चाहिए आप उतने साइज़ का इसमें से पीसेस कर लें। तो यहाँ मैं, आप देख सकते हैं, मैंने इतने बड़े पनीर के पीस करे हैं। तो यहाँ मैं सारे पीसेस इक्वल कर लूँगी। तो प्लेट में मैंने पनीर को कट करके निकाल लिया है। तो कढ़ाई रखी है मैंने पनीर बनाने के लिए और यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करा है। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। 2 छोटे साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ मैं इसके ऑयल के अंदर इसे ऐड करूँगी और अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है। तो प्याज को हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। बस हमें इतना ही कलर चेंज करना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। तो इसमें 1 टीस्पून भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से हम चला लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल हो वो निकल जाए सारी। तो इसे भी हमने अच्छे से चला लिया है। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसे मोटा मोटा दरदरा सा कद्दूकस कर लिया है। और ये मैं हरी मिर्च और थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टमाटर को और 4-5 हरी मिर्च के साथ मैंने इसे फाइन पेस्ट बना लिया है। तो मैं इसमें 2 तरीके से टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो एक ही तरीके से टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और बहुत ही अच्छा हमारा मसाला पनीर बनके रेडी होता है। तो यहाँ मैं थोड़े बेसिक मसाले ऐड करूँगी। 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड करा है, 1/2 टीस्पून मैं हल्दी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं ये मिर्च डाल रही हूँ कश्मीरी, 1 टीस्पून मैं नॉर्मल मिर्च डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं नमक डालूँगी और अच्छे से अपने मसाले को मैं चला लूँगी। तो हमें मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। हम तब तक मसाले को भूनेंगे, इसका ऑयल सारा निकल के नहीं आ जाता, और अच्छे से भुनाई करनी है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और इसमें से एकदम लाजवाब खुशबू आने लग जाए। तब तक हम अच्छे से मसाले को भूनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया है। एकदम बढ़िया तरीके से हमारी ग्रेवी हो चुकी है मसाले की। तो अब ऐड करूँगी मैं इसमें पनीर। आप पनीर को चाहें तो थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कच्चा ही डाल रही हूँ। और बहुत अच्छा टेस्टी पनीर बनके हमारा रेडी हो जाएगा। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाती है मसाले भुनने के बाद। तो यहाँ मैंने पनीर ऐड कर दिया है अच्छे से। अब इसमें मैं पनीर मसाला ऐड कर रही हूँ और हल्का सा 1/2 टीस्पून के करीब मैं गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और 1 मुट्ठी मैंने फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है इसके अंदर। तो ये लीजिए, हमारा पनीर एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ थोड़ी सी मैंने क्रश हुई हरी मिर्च डाल दी हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में करके डाल सकते हैं। तो हो गई ना हमारी झटपट से पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार। गार्निश के लिए थोड़ी सी मैं दूध से उतरी ही मलाई डाल देती हूँ। आप चाहें तो फ्रेश अमूल क्रीम का भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मैं ये दूध से उतरी हुई मलाई इसलिए ऐड कर रही हूँ। बहुत ही लाजवाब हमारा पनीर बन के रेडी होता है ये। तो एकदम से झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। आपको मेरी पनीर की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।